नमस्कार दोस्तों, फीवर ब्लिस्टर्स ये बहुत ही आम समस्या है और इसे हम कोल्ड शोर भी बोलते हैं। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी ना कभी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के बारे में जरूर सुना होगा। दुनिया में लगभग हर 3 में से 2 लोग 50 साल की उम्र तक आते आते कभी ना कभी हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से पीड़ित होते हैं। जब आप इस वायरस के संपर्क में आते हैं और आपको ये वायरस से इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपकी त्वचा में, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, आपके मुंह में, आपके जेनाइटल्स में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब एक तरह का फफोला, छोटे छोटे दाने जिसके चारों तरफ लाल पड़ा रहता है और बीच में पानी या पस भरा हुआ होता है। तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से ब्लिस्टर्स होते हैं। और दोस्तों जब ये ब्लिस्टर्स, ये दाने हमारे लिप्स के चारों तरफ इधर इधर कहीं भी हो जाते हैं, तो इसे हम फीवर ब्लिस्टर्स बोलते हैं या कोल्ड सोर बोलते हैं या हर्पीस लेबलिस बोलते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि फीवर ब्लिस्टर क्या होते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कि ये क्यों होते हैं, इसके कॉजेस क्या हैं, उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगा और लास्ट में मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो आपको ये फीवर ब्लिस्टर कभी भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इसके कॉजेस की तरफ। कॉजेस, कारण, कारण आप जान ही चुके हैं कि ये हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होता है। अगर आपको एक बार हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस आपकी बॉडी को कभी नहीं छोड़ते। ये आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम में, मतलब नर्व में जाके छुप जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन कभी कभी जब बुखार होता है या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, या आप धूप में चले जाते हैं, या फीमेल्स में मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स चालू हो जाती हैं, तो उस दौरान ये जो वायरस हैं फिर से एक्टिव हो जाते हैं और हमारे लिप्स के चारों तरफ और लिप्स में ब्लिस्टर बन जाते हैं। ज़्यादातर ये फीवर की कंडीशन में होता है, जब हमें वायरल फीवर होता है या किसी भी तरह का फीवर होता है, तो ये वायरस फिर से एक्टिव होते हैं और हमारे मुंह के चारों तरफ फफोले, छोटे छोटे ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं और इसी को हम फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं। तो ये थे इसके कॉजेस। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। लक्षण इसके बहुत ही सिंपल हैं, आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ। दोस्तों हमारे लिप्स के चारों तरफ ये ब्लिस्टर्स कहीं भी होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि अगर पेशेंट को एक जगह ब्लिस्टर हो रहे हैं तो उसी जगह वो ब्लिस्टर्स बार बार होते हैं। दोस्तों छोटे छोटे दाने होते हैं, उसमें पानी सा भरा रहता है और चारों तरफ लाल लाल आपको रहता है। एक बार बुखार चढ़ने के बाद तुरंत बाद ये ब्लिस्टर्स होना चालू होते हैं और रात भर में ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ये ब्लिस्टर्स ठीक हो जाते हैं। अगर मरीज़ की इम्यूनिटी कम है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम है, तो ये ब्लिस्टर्स 7 दिन या 2 सप्ताह तक भी आपको हो सकते हैं। कभी कभी ये मुँह के अंदर भी हो जाते हैं, छोटे छोटे लाल लाल दाने जिसमें हल्का सा पानी भरा रहता है, और कभी कभी हमारे चेहरे में भी ये दिखते हैं, जैसे हमारे नाक में, हमारे गाल में ये ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे साइन एंड सिम्टम्स। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ कि अगर आपको फीवर ब्लिस्टर बार बार होते हैं तो कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। सबसे पहली मेडिसिन है फीवर ब्लिस्टर के लिए वेरियोलिनम। दोस्तों वेरियोलिनम एक नोसोड है और इसको आपको 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में लेना है। दोस्तों वेरियोलिनम से हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, शरीर से वो चला जाता है, जिसके कारण जो आपको बार बार फीवर ब्लिस्टर हो रहे हैं वो नहीं होते। अगर आपको फीवर ब्लिस्टर नहीं है, आपको बार बार फीवर ब्लिस्टर होते हैं और आप चाहते हैं कि आपको फीवर ब्लिस्टर ना हो, तो वेरियोलिनम 200 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में 2 बूंद आप पीजिए, संडे एक बार और एक बार वेनेसडे, रविवार और एक बार बुधवार, बस। और ऐसा आप लगभग 3 महीने तक करिए तो आपको दोबारा कभी फीवर ब्लिस्टर नहीं होगा दोस्तों। लेकिन अगर आपको अभी फीवर ब्लिस्टर है तो वेरियोलिनम 200 2 बूंद सुबह सुबह डेली आप पीजिए। मान लीजिए मेरे हाथ में वेरियोलिनम 200 है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में मुझे डालना है, सुबह सुबह एक बार पीना है और जब तक पीना है जब तक फीवर ब्लिस्टर ठीक नहीं हो जाता। ये बहुत जल्दी फीवर ब्लिस्टर को ठीक कर देता है और जब आप फीवर ब्लिस्टर से निजात पा जाएं
तो बार बार ना हो इसके लिए आप बुधवार रविवार को वेरियोलिनम ज़रूर यूज़ करिए। दोस्तों दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्यूर। दोस्तों नेट्रम्यूर भी फीवर ब्लिस्टर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये हर्पीज वायरस को जड़ से ख़त्म करने के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ब्लिस्टर्स के अंदर पानी भरा हो और साथ ही साथ वो लाल पड़ा हो तो नेट्रम्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और ब्लिस्टर आपके लिप्स के आसपास हो या आपके नोज़ में हो या आपके गालों में हो तो नेट्रम्यूर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों नेट्रम्यूर आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना है। अगर आपको ब्लिस्टर्स अभी हैं तो 2 बूंद रात में एक बार लेना है। अगर आपको ब्लिस्टर्स अभी नहीं है लेकिन बार बार ब्लिस्टर्स हो रहे हैं तो नेट्रम्यूर 30 2 बूंद रात में लीजिए, संडे और वेनेसडे। सिर्फ जब आप वेरियोलिनम 200 लेते हैं उसी दिन आप नेट्रम्यूर 30 रात में लीजिए और लगभग वही 2 से 3 महीने इसे कंटिन्यू करिए। संडे और वेनेसडे लेते रहिए, आपको फीवर ब्लिस्टर फिर कभी दोबारा नहीं होगा। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 30 CH पोटेंसी में यूज़ करिए और जब आपको ब्लिस्टर्स हैं तभी आप इसे यूज़ करिए। दोस्तों ये ब्लिस्टर्स को जल्दी से जल्दी सुखाती है, जल्दी से जल्दी ठीक करती है। ब्लिस्टर्स में जहाँ पर आपके दाने पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा जलन हो, पानी जैसा भरा हो, लाल हो, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। और 30 पोटेंसी में 2 बूंद आप दोपहर में सिर्फ एक बार लीजिए। जब आपको ब्लिस्टर हैं तभी आपको लेना है, आपको ब्लिस्टर नहीं है तो ये दवा नहीं लेना। एक मेडिसिन है रक्सटॉक्स, और रक्सटॉक्स को भी आप 30 CH पोटेंसी में ही यूज़ करिएगा। दोस्तों यह भी मेडिसिन जब आपको ब्लिस्टर हो तभी आप इसे यूज़ करिएगा और 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को यूज़ करिएगा। दोस्तों सारे के सारे लक्षण ब्लिस्टर के रक्सटॉक्स से मिलते हैं। दाना लाल पड़ा हो, पानी भरा हो, खुजली हल्की सी हो रही हो, हल्का सा जलन हो रही हो और दर्द भी होता है, तो सारे के सारे लक्षण फीवर ब्लिस्टर के रक्सटॉक्स से मिलते हैं। और 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात में रक्सटॉक्स ज़रूर यूज़ करिएगा। लास्ट में अगर आपको फीवर ब्लिस्टर है तो उस ब्लिस्टर में आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगाना ना भूलें और दिन में 3 से 4 बार लगाएं। दोस्तों इस ऑइंटमेंट को लगाने से ब्लिस्टर बहुत जल्दी सूखते हैं, ना दर्द होता है, ना खुजली होती है, ना जलन होता है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑइंटमेंट है कैलेंडुला ऑइंटमेंट। तो दोस्तों ये थी मेडिसिन फीवर ब्लिस्टर की। अगर आपको बार बार फीवर ब्लिस्टर होते हैं तो सिर्फ आप वेरियोलिनम 200 2 बूंद सुबह सुबह और नेट्रम्यूर 30 2 बूंद रात में, और सिर्फ ये संडे और वेनेसडे, रविवार और बुधवार को लीजिए और लगभग 2 से 3 महीने तक इसे लीजिए, आपको फीवर ब्लिस्टर दोबारा नहीं होंगे। अगर फीवर ब्लिस्टर अभी हैं तो इसी मेडिसिन के साथ साथ आप आर्सेनिक एल्बम 30 2 बूंद दोपहर में और रक्सटॉक्स 30 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और कैलेंडुला ऑइंटमेंट लगाइए, ब्लिस्टर बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको दोबारा कभी फीवर ब्लिस्टर ना हो। तो सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन देंगे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन देंगे तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर बटन दिएगा तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।